नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है मेरे टू से ज्ञान बनारस में और मैं समझू तो नमो घाट पे। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला नमो घाट पे जो 75 फीट का नया नमस्ते स्टेचू बन रहा है उसका कार्य कितना पूरा हुआ है और इस समय कार्य की क्या वर्तमान स्थिति पूरा दिखाने वाला हूँ और साथ में आपको नमो घाट फेस वन और फेस टू का भी पूरा नजारा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों को बैक करने से पूरा नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके ठीक सामने नमो स्टेचू और मैं इस समय नमो घाट फेस वन में हूँ और आपको फेस वन का नजारा दिखा रहा हूँ। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 6:30 और तारीख की बात करूँ तो आज 13 मार्च है। देख रहे हैं ना, इस समय सुबह सुबह का नज़ारा नमो घाट का काफ़ी सुहाना है। देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर योगा भी कराया जा रहा है। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक फॉरनर महिला है वो भी देखिए योगा कर रही है यहाँ पर, ये बीच वाली जो फॉरनर है। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं धीरे धीरे आप देखिए पूरा नमस्ते स्टेचू अपना जो कि स्वरूप ले रहा है। देख रहे हैं अब प्रणाम की मुद्रा में धीरे धीरे देखिए यहाँ पर स्टेचू का पूरा आकार बन गया है। देख रहे हैं हाथ जोड़े हुए, अब इसके ऊपर देखिए ये पूरा जो कि कॉपर का पूरा चद्दर लगाया जा रहा है जो कि हरियाणा से बन के आया हुआ है। देख रहे हैं दो ट्रक जो कि पूरा ये पार्ट्स आया हुआ है हरियाणा से पूरा हाथ का, ये सब देख रहे हैं जो लग रहा है ऊपर चद्दर ये सब पूरा हरियाणा से बन के आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं वहां पर और वहां से चलकर आपको पूरा दिखाता हूं पूरा कार्य का नजारा है, इसमें कार्य की क्या वर्तमान स्थिति है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी देखिए यहां पर एक ट्रक आया जिसमें कि नमो स्टेचू का पार्ट आया है। देख रहे हैं और ये भी देखिए हरियाणा से आया है। देख रहे हैं ये सब उंगली का पार्ट है, जो नमस्ते स्टेचू का उंगली है वो आया हुआ है। देख रहे और भी बाकी पार्ट्स आए हुए हैं इस ट्रक में। देख रहे अभी भी ये ट्रक आया हुआ है। देख रहे हैं ये सब उंगली का शेप बना हुआ है, ये सब उंगली जो है वो है। ये तीसरा जो कि ट्रक आया हुआ है यहाँ पर, दो कंटेनर आया था एक ट्रक, देखिए इसको लेकर 3 ट्रक कंटेनर हो चुका है पूरा। देख रहे नंबर देखिए हरियाणा का नंबर है HR55AL5246। देखिए ये अभी आया हुआ है अभी तुरंत 10 मिनट पहले। ये रास्ता आपका जो कि फेस टू के लिए चला जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे भी पूरा जाली वाला बैरिकेडिंग लगा दिया गया, पूरा जाली से इसके पैक कर दिया गया है। और देख रहे हैं ये बाइक जैसे मुड़ रहा है ये आपका नमो घाट फेस टू के लिए चला जाएगा। मैं आपको उधर भी ले चलूंगा, उधर भी आपको वहाँ का भी वर्तमान स्थिति दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए इधर देखिए पूरा स्टाफ रूम बनाया गया है, जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके रहने के लिए देखिए यहाँ पे स्टाफ रूम बनाया गया पूरा। देख रहे हैं ना पूरा बैरिकेडिंग किया गया है यहाँ पर 3 सेट से। और यहाँ पे देखिए ये सब पूरा पार्ट पुर्जा रखा गया है और इधर इनका सीमेंट गोदाम है। देख रहे हैं ना और यहाँ से देखिए कार्य की वर्तमान स्थिति। देख रहे दो दो यहाँ पर क्रान मशीन लगा हुआ है और देखिए काफी ऊंचा है 75 फीट का है और 16 करोड़ की लागत से इसका जो कि कार्य चल रहा है इस समय। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए चद्दर लगना शुरू हो गया है, कॉपर का चद्दर लग रहा है देखिए दोनों साइड में, इधर भी लग रहा है और इधर भी आपका लग रहा है। देख रहे हैं ना कितना विशाल लग रहा है और ये वाला स्टेचू देखिए अब छोटा सी लग रहा है, कितना छोटा लग रहा है ना। और ये देखिए देखिए यहाँ पर क्रान मशीन की मदद से जो पार्ट्स है उन्हें ऊपर पहुंचाया जा रहा है। देखिए ये सब पार्ट नीचे रखे हुए हैं, देख रहे हैं ना ये सब पार्ट है, यही सब पार्ट जो कि वहां पर जोड़ा जा रहा है क्रान मशीन की मदद से। देखिए इधर भी रखे हुए हैं, देख रहे हैं ना इसी तरह ये चद्दर के पार्ट आए हुए हैं जो कि वहां पर जोड़े जा रहे हैं। देखिए पूरा स्ट्रक्चर बना गया है
वर्कर को ऊपर जाने आने के लिए, और वो इन्हीं स्ट्रक्चर के सहारे ऊपर चढ़ के पूरा कार्य कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, पूरा एकदम ऊपर का दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये पूरा स्टैंड है और इसके ऊपर जो कि पूरा लोहे का चद्दर लगाया जा रहा है। और सामने आपका है राजघाट मालवीय ब्रिज, देख रहे हैं ना, पूरा एरिया को तुम घेरा गया है। और सामने आपका देखिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, जो नया इलेक्ट्रिक मेट्रो क्रूज चला हुआ है उसका चार्जिंग स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर वो चार्ज हो रहा है। इधर देखिए, इधर भी पूरा आपका गेड़ा गया है, देख रहे हैं ना, तीन सेट से। देखिए सामने सूर्य भगवान का रोशनी आ रहा है, देखिए देख रहे हैं ना, पूरा तीन सेट से इधर गेड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नमोगढ़ फेज टू की तरफ, आपको वहां का भी नजारा दिखा देता हूँ, हेलीपैड की तरफ का क्या स्थिति है, और जो फेज टू का नया बना हुआ है और विसर्जन कुंड सब दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें नमो घाट फेज टू की तरफ हूँ, देख रहे हैं सामने आपका बना हुआ है विसर्जन कुंड। और देखिए इस विसर्जन कुंड का नजारा आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो कि बैट बॉल भी खेल रहे हैं। देख रहे हैं ये विसर्जन कुंड आपका पूरा बनकर तैयार हो गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे, और आगे का भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ फेज टू का। देख रहे हैं ना यहाँ से देखिए पेड़ से पत्ते जो कि झड़ के गिरे हुए हैं, और देखिए इनका सफाई नहीं हुआ है, देख रहे हैं इसी तरह पड़ा हुआ है, देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर मचा हुआ है, देख रहे हैं ना, क्या किया जाए लोगों का। और यहाँ पे देखिए ये आपका नाला बना हुआ है साइड में, और देखिए इधर भी आपका पूरा बैरिकेटिंग किया गया है, देख रहे हैं ना, ये पूरा जाली लगा दिया गया पूरे नमोगढ़ फेस वन और फेस टू दोनों में। और ये देखिए ये गार्डन एरिया है, देख रहे हैं ये पूरा गार्डन एरिया बनाया गया है यहाँ पर। देख रहे कितना खूबसूरत डिजाइन में यहाँ पर गार्डन बनाया गया है, और देखिए पूरे एरिया में पूरा आपका इंटरलॉकिंग किया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर भी। और सामने आपका है रेस्टोरेंट, देखिए ये भी चालू हुआ नहीं है लेकिन ये पूरा बन के कम्प्लीट है। और देखिए यहाँ पर आरओ प्लांट भी लगाया गया है, देख रहे हैं ना सामने। और दोस्तों ये रास्ता आपका चला जाएगा हेलीपैड के लिए, और सामने आपका है शाही नाला जो कि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आइए आपको उसका भी पूरा वर्तमान स्थिति दिखा देता हूँ, देख रहे हैं ये शाही नाला था पहले, देखिए पूरा बंद कर दिया गया है, देख रहे पूरा एकदम सूखा पड़ा हुआ है। अच्छी बात है, पहले यहाँ से जो कि नाला बहता था, लेकिन अब देखिए पूरा ये बंद हो गया है। बंद के बाद का आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए पूरा सूखा पड़ गया है, देख रहे ना। देखिए इधर आपका पूरा लाइटों लगा हुआ सब सभी खंभों पर एलईडी लाइट। और देखिए दोस्तों ये नया जो कि आपका गेस्ट हाउस बनाया गया है, और यहाँ पर सामने आपका नया वाला घाट का निर्माण हुआ है,
देख रहे ना पूरा बन के कंप्लीट है, पता नहीं क्यों ये सब रुका है। देखिए पूरा तालाब लगा हुआ है, बन के पूरा कंप्लीट है, लेकिन अभी देखिए चालू नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर देखिए नक्काशीदार पूरा बरंदा बनाया गया है। दोस्तों अब यहाँ से देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा लग रहा है, देख रहे हैं ये पूरा बन के आपका तैयार हो गया है। और ये भी काफी खूबसूरत बना हुआ है, देख रहे हैं डिजाइनदार एकदम। देखिए देख रहे हैं ना पूरा नक्काशीदार यहाँ पे बनाया गया है। अब पूरा देखिए नीचे, पूरा नीचे भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए जगह जगह कितना खूबसूरत ये सब गोलंबर वाला डिजाइन बनाया गया है, देख रहे हैं ना पूरा आपका वहां तक कंप्लीट कर दिया गया है। इधर देखिए, और इधर देखिए आपका अभी ढलिया करके छोड़ा गया है, दो सेक्शन, एक सेक्शन इधर एक सेक्शन इधर है आपका। इधर भी पूरा आपका पत्थर लगना भी बाकी है, देख रहे हैं ना। और सामने है माँ गंगा, काफी खूबसूरत नजारा लग रहा है यहाँ से। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें हेलीपैड वाले एरिया में हूँ और आपको वहाँ का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं देखिए एक हेलीपैड आपका यहाँ बना हुआ है और एक हेलीपैड आपका यहाँ बना हुआ है। और देखिए पूरा इंटरलॉकिंग यहाँ पर किया गया है, देखिए सफ़ेद ईंट से और ये रेड कलर का ईंट है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और देखिए यहाँ से जल्द ही अयोध्या धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हो जाएगा। अभी देखिए इसका कोई टाइम ये सब डेट फिक्स नहीं हुआ है, और जब भी होगा तो हम आपको उसका भी अपडेट दे दूंगा। देख रहे हैं पूरा बन के कम्प्लीट है, पूरा देख लीजिए, बस यहाँ से अब सेवा चालू होना बाकी है, बस पूरी तरीके से पूरा तैयार है। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जा दीजिए हर हर महादेव।